कहा गया है। अभी मामले पर दोबारा नजरसानी करेंगे वजीर आजम का गवर्नर को हुक्म, तफसीलात जान लेते हैं आरिफ मलिक से। आरिफ क्या तफसीलात हैं? शहबाज शरीफ का वजीर आजम का गवर्नर पंजाब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और उन्होंने हदायत जारी की है कि इजलास बुलाकर जो आज इजलास जारी है इसमें एक जो जवाबी खत है वो तैयार किया गया है और उसमें उन्होंने कहा कि ये दोबारा इसके ऊपर नजरसानी की जाए और इसके ऊपर दोबारा मशावरत की जाए। जो इस गवर्नर पंजाब खत भेजना चाह रहे थे स्पीकर रूलिंग के हवाले से स्पीकर को, उस पर वजीर आजम ने उन्हें रोक दिया है और उन्होंने कहा है दोबारा इसके ऊपर मशावरत करें और मशावरत करने के बाद अगर जवाबी खत देना चाहते हैं तो जवाबी खत भी स्पीकर को भिजवाया जाए या फिर वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाए। और तीसरी ऑप्शन उन्होंने कहा है या हम अदालत में चैलेंज करेंगे स्पीकर रूलिंग को जो स्पीकर ने कल रूलिंग जारी की है। तो ये तीन अहम पॉइंट्स के ऊपर दोबारा मशावरत की जा रही है। पहले इसके पहले जो है एक खत तैयार किया गया था जिस पर गवर्नर पंजाब को हदायत की गई थी कि ये खत जो है स्पीकर को अरसाल किया जाए और एतमाद का वोट का कहा जाए, लेकिन अब दोबारा से खत जो है वजीर आजम के कहने पर रोक दिया गया है और उन्हें दोबारा मुशावरत करता है। खत पर एक बार फिर मुशावरत की जाएगी। बहुत शुक्रिया आरिफ मलिक इन तफसीलात के लिए।